वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड बेस्ट ट्रायलॉजी की, जिसे नाम दिया गया है नाइट एट द म्यूजियम। अगर अब तक भी आपने इसके तीनों पार्ट नहीं देखे हैं, तो आपको वो सारे मेरे मेन चैनल जिसका नाम प्रतीक्षा नागर है उस पे ये तीनों ही पार्ट बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन में मिल जाएंगे। साथ ही में मैं उन मूवीज का लिंक भी कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं चाह रही थी कि काश नाइट एट द म्यूजियम के कुछ और पार्ट्स भी हमारे सामने आते, क्योंकि वो मूवी सच में बहुत प्यारी थी। जिसके बाद नाइट एट द म्यूजियम की कोई भी लाइव एक्शन मूवी नहीं आई, बल्कि 2022 के अंदर ये एक एनिमेशन मूवी के साथ हमारे पास आई है। मूवी स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको इसका थोड़ा बहुत पास्ट बता देती हूँ। लैरी, जिसे हम सभी जानते हैं, वो एक म्यूजियम के अंदर काम करने आता है, जहाँ की सारे के सारे स्टेचूज रात होने पे जिंदा हो जाते हैं। इसके पीछे का रीजन एक इजिप्ट का टैबलेट था। लैरी हमेशा से इस म्यूजियम का नाइट गार्ड था, उसके अलावा इस म्यूजियम को कोई भी नहीं संभाल सकता था। तो कैसा हो कि लैरी की बजाय वहाँ पे काम करने के लिए कोई और आ जाए, और फिर इस म्यूजियम के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर होगी। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी नाइट एट द म्यूजियम के फोर्थ पार्ट में चलते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें वही म्यूजियम दिखाया जाता है जहाँ पे अभी भी सनसेट नहीं हुआ था। इसी के कारण सारे मेंबर्स अभी भी स्टैचू ही बने हुए थे। यहाँ पे काम करने के लिए आज एक नया गार्ड आया था। इसी के साथ सनसेट होते ही टैबलेट अपना काम करना शुरू कर देता है। म्यूजियम का हर एक स्टैचू जिंदा हो चुका था, और इन सारे मेंबर्स को हमने बहुत पहले ही देखा है। थियो रूज़वेल्ट, जो कि एक प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस बार इस गार्ड के ऊपर बैट लगाई थी कि आखिर ये कितनी देर रुकेगा। ये गार्ड मुश्किल से सिर्फ 2 मिनट इस म्यूजियम के अंदर टिक पाता है, और सारे लोग उसे डरा के वहाँ से भगा देते हैं। ये बात जब लैरी को पता चलती है, तो वो बाकी सारे मेंबर से बात करने के लिए आता है कि आप लोग प्लीज ऐसा मत करिए, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, और अगर मेरी जगह कोई नया गार्ड नहीं रख पाए आप लोग, तो मुसीबत में मैं फंस जाऊंगा। तो स्टैचूज उसे समझाते हैं कि तुम्हारे सिवा इस म्यूजियम को कोई नहीं संभाल सकता, तुम्हारा रिप्लेसमेंट कोई बन ही नहीं सकता। अगर हम तुम्हें कोई सजेशन दे, तो वो सिर्फ और सिर्फ निक हो सकता है, यानी कि लैरी का बेटा, क्योंकि बचपन से ही उसने इन सारी चीजों को अपनी आंखों के सामने देखा था। लैरी तब डॉक्टर मैकफी, यानी कि जो इस म्यूजियम के डायरेक्टर थे, उन्हें कॉल करता है और एक नए गार्ड के बारे में कहता है। तो डॉक्टर मैकफी कहते हैं कि ये सब तुम्हारा मैनेजमेंट है, वहाँ पे कौन काम करेगा और कौन काम नहीं करेगा, और साथ ही में तुम्हारा कौन रिप्लेसमेंट होगा, ये भी सब कुछ तुम्हें ही देखना होगा। बेचारा लैरी समझ ही नहीं पाता कि अब आखिर म्यूजियम के नाइट गार्ड के लिए वो किसे चूज करे। जिसके बाद हमें निक की स्टोरी दिखाई जाती है। निक को म्यूजिक बहुत पसंद थी, साथ ही में वो डीजे बनना चाहता था। वो अपने एक फ्रेंड से बात करता है और कहता है कि मैं जल्द ही किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, हालांकि मेरा म्यूजिक किसी को पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश तो जरूर करूंगा। निक को उसकी मॉम हर समय मैसेजेस करती रहती थी उसके खाने के लिए, और इस समय भी निक के पास अपनी मॉम के मैसेजेस आ रहे थे। साथ ही में हम देखते हैं कि निक अपनी टीचर के सामने ऑडिशन देने के लिए गया था। पहले तो वो म्यूजिक अच्छे से प्ले करता है, क्योंकि आज से पहले किसी भी कॉम्पिटिशन के अंदर डीजे को नहीं बुलाया गया था। उसी समय एक दूसरा लड़का आता है, जो कि निक को काफी ज्यादा डिमोटिवेट करता है कि अगर म्यूजिक की बात करी जाए, तो सिर्फ गिटारिस्ट को मौका मिलना चाहिए। इसके कारण निक हेजिटेट हो जाता है और उसका सारा म्यूजिक बिगड़ जाता है। बाहर आने के बाद वो इवन अपनी फ्रेंड से भी बात नहीं करता। जिसके बाद लैरी निक से बात करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे समर वेकेशन बहुत अच्छे बनाने वाला हूँ, इतने अच्छे एडवेंचर मिलने वाले हैं तुम्हें, जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। लैरी निक को बताता है कि मैंने तुम्हें नाइट गार्ड के लिए चूज किया है, मैं जब तक अपने किसी काम से लौटता नहीं हूँ, तब तक म्यूजियम का ध्यान तुम्हें ही रखना है। निक को पता था कि वो एक छोटा बच्चा है और वो ये सारे काम कभी कर ही नहीं सकता, वो जरूर कोई गड़बड़ करेगा। लेकिन लैरी उसे समझाता है कि नहीं, तुम ये काम जरूर कर पाओगे, मैं भी जब वहाँ गया था तो बहुत हेजिटेट था। तब निक कहता है कि ठीक है, तो फिर आप एक बार मॉम से बात कर लीजिए। जब लैरी घर पे आता है और अपनी वाइफ से बात करता है, तो वो भी निक की इस जॉब के लिए पहले तो मना कर देती है कि नहीं, उसके लिए पहले से ही बहुत अलग अलग प्लानिंग्स कर रखी है, वो इस वेकेशन के अंदर कुछ और काम करेगा, ना कि कोई नाइट गार्ड की जॉब। लेकिन निक की मॉम को भी पता था कि वो म्यूजिक और डीजे के पीछे इतना ज्यादा पागल हो रहा है कि वो कभी भी किसी के सामने खुल ही नहीं पाता है। और लैरी ने भी जब म्यूजियम ज्वाइन किया था, तब वो भी बहुत नॉर्मल इंसान था, लेकिन उस म्यूजियम को ज्वाइन करने के बाद में उसकी पूरी लाइफ ही बदल गई। इसी के कारण निक की मॉम, यानी कि लैरी की वाइफ, भी ये बात मान जाती है कि अब निक को कुछ दिनों के लिए नाइट गार्ड की जॉब कर लेनी चाहिए। निक का पहला दिन था इस म्यूजियम के अंदर, जहाँ पे डॉक्टर मैकफी कहते हैं कि तुम्हें तो वैसे भी सारी चीजें पता ही होंगी, लैरी ने आखिर तुम पे बिलीव किया है, तो तुम जरूर अच्छा काम करके दिखाओगे। और उसी समय सनसेट हो जाता है। यहाँ पे जो डायनासोर का इतना बड़ा स्केलेटन था, वो निक को देख के इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो डॉक्टर मैकफी के सामने ही निक को धक्का दे देता है। अब जैसे ही डॉक्टर मैकफी वहाँ से जाते हैं, कि तभी सारे के सारे स्टैचूज निक से मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं कि हमें पता था कि तुम लैरी को बहुत अच्छे से रिप्लेस कर सकते हो और हमारा ध्यान भी रख सकते हो। निक यहाँ पे सभी से आके मिलता है, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और जो छोटे छोटे से किंग थे, उन्हें एक चॉकलेट बार भी देता है। रूज़वेल्ट निक के लिए एक ग्लासेस का केस लेके आया था, और साथ ही में रूज़वेल्ट की गर्लफ्रेंड ने निक को एक ब्रेसलेट दिया था। इसी समय हमें लैरी दिखाया जाता है, जो कि निक को कॉल करके पूछता है कि बताओ आखिर तुम्हारी रात अभी कैसी जा रही है। साथ ही में वो जिस म्यूजियम के अंदर है, वो वहाँ की चीजें भी दिखाता है कि यहाँ पे सब कुछ बहुत हाईटेक है। निक बताता है कि हाँ, अभी तक तो सब कुछ ठीक है और आगे भी शायद सब कुछ ठीक ही
रहेगा। तब लैरी निक को कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। लैरी बताता है निक को कि तुम्हें यहाँ का सबसे एक इम्पोर्टेंट काम करना है। मुझे पता है कि तुम बेसमेंट से डरते हो, लेकिन तुम्हें बेसमेंट में जाना होगा और चेक करना होगा कि वो लॉक है या नहीं है। उससे पहले तुम्हें बेसमेंट के अंदर जाना पड़ेगा और वहाँ पे एक और रूम है, उसे तुम्हें लॉक लगाना पड़ेगा क्योंकि वो रूम मोस्टली खुला रहता है। निक डरा हुआ था लेकिन फिर भी वो बेसमेंट में जाने लगता है, जहाँ पे नीचे जाने के बाद वहाँ की सारी चीजें भी जिंदा थी और ये सारी चीजें मिलकर निक को डराने लगती है। देखते ही देखते जिस दरवाजे को निक को बंद करना था, निक डरने के कारण उसी दरवाजे को खुला छोड़ के ऊपर भाग जाता है और तभी उसके अंदर से कामुंड्रा की सोल बाहर आ जाती है, जो कि इतने सालों से उसे बंद करके रखा गया था। निक के बाहर आने के बाद थियो और उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है कि सब कुछ ठीक है ना, तो निक कहता है कि हाँ, मैंने तो दरवाजे बंद किए हैं। और उसी समय इन्हें पता चलता है कि टैबलेट यहाँ से गायब हो गया है, यानी कि वो चोरी हो गया है। तभी कामुंड्रा बताता है कि उस टैबलेट को तो मैंने चोरी किया है और अब इस पूरी दुनिया पे मैं रूल करूंगा, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। कामुंड्रा उस टैबलेट को लेके भागने लगता है। देखते ही देखते सारे स्टैचू मिलके निक की मदद करने लगते हैं कामुंड्रा को पकड़ने के लिए। कामुंड्रा को रोकने के लिए हर एक मेंबर, जो कि इस समय स्टैचू ही थे, फिर भी उनमें जान थी, वो भी उसे नहीं रोक पाते। कामुंड्रा म्यूजियम के उस तरफ आ गया था जहाँ से वो बाकी सभी को दरवाजे में बंद करके वहाँ से भाग जाता है। अब सारे लोग मिलके उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं और तब जाके निक को याद आता है कि उसके पास में तो चाबियां हैं। बाहर आने के बाद ये सोचते हैं कि आखिर अभी कामुंड्रा कहाँ गया होगा। सबसे पहले तो वो खुद की आर्मी को जिंदा करने के लिए पास ही के म्यूजियम में गया होगा। इसी के साथ में निक और उसके साथ कुछ बाकी के स्टैचूज उसी पास वाले म्यूजियम में जाने के लिए एक बस की मदद लेते हैं। कामुंड्रा उस दूसरे वाले म्यूजियम के अंदर आके सबसे पहले खुद की गर्लफ्रेंड को जिंदा करता है और बाद में खुद की छोटी मोटी आर्मी को भी जिंदा करने लगता है। अब जब ये लोग इस म्यूजियम के अंदर गए थे तो यहाँ इन्हें पता चलता है कि कामुंड्रा को अपने इजिप्ट के पिरामिड के अंदर जाना है और साथ ही में वहाँ जाने के लिए उसे किसकी मदद लगेगी। इन सब बातों के डिस्कशन में इन्हें कामुंड्रा भी मिल जाता है, जिसे ये सारे लोग मिलके वापस से रोकने लगते हैं। कामुंड्रा को इजिप्ट में जाने के लिए और खुद की सबसे बड़ी सेना, जिसके अंदर सारे के सारे मुर्दे हैं, उन सबको जिंदा करने के लिए उसे गॉड की पावर्स की जरूरत लगेगी। इसी के कारण वो एक मकबरे के पास में जाता है और वहाँ पे कुछ मंत्र करके एक गॉड को जिंदा भी कर देता है। पावर्स के अकॉर्डिंग तो इस गॉड को बहुत बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये तो एक छोटा सा रकून था जिसकी पावर्स भी हमेशा गलत सलत लगती रहती थी। इस छोटे से गॉड का नाम सेथ था। अब कामुंड्रा सेथ को कह के निक और उसके बाकी दोस्त को मरवाने के लिए कहता है। अब सेथ की पावर्स कभी भी सही जगह पे नहीं लग रही थी, इसी के कारण ये लोग भी बच बच के आगे बढ़ते जा रहे थे। सेथ ने अपनी पावर से एक बहुत बड़े स्कॉर्पियन को जिंदा कर दिया था, जिसके बाद में निक और ये सारे लोग उस स्कॉर्पियन से बचने की बहुत कोशिश करते हैं। आखिर के अंदर आके एक प्रिंसेस ने उस स्कॉर्पियन को बीच में से काट दिया था और तभी वहाँ पे एक दूसरा वॉरियर सीधा उसके ऊपर जंप करता है, इसी के कारण वो स्कॉर्पियन वहीं पे टूट जाता है। तब तक कामुंड्रा और सेथ उस टैबलेट को लेके जबकि पिरामिड के लिए निकल चुके थे। निक को अभी भी डर था कि आखिर वो उसे सही टाइम से पहले पहले पकड़ पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा, और अगर उसने कामुंड्रा को नहीं रोका तो ये जितने भी स्टैचूज है वो सब कुछ मिट्टी में बदल जाएंगे। लेकिन बाकी सारे लोग निक को मोटिवेट करते हैं और कामुंड्रा का पीछा करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद अब ये सभी इजिप्ट के डेजर्ट में पहुंच जाते हैं। निक को समझ में नहीं आता कि आखिर वो इतने बड़े इजिप्ट के डेजर्ट के अंदर कामुंड्रा को कहां पे ढूंढेगा और वो हार चुका है। तब यहां पे जितने भी स्टैचूज थे वो सब अपने अपने बारे में बताते हैं कि ये सब कितने छोटे थे, तब इन्होंने काफी सारी मुश्किलों का सामना किया और तब जाके ये सब सक्सेसफुल हुए। तो निक बताता है कि आप लोगों का स्टैचू इसीलिए म्यूजियम में लगा है क्योंकि आप सक्सेसफुल हुए थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल एक नॉर्मल लड़का हूँ और मैंने पहले दिन आते ही यहाँ पे इतनी सारी गड़बड़ कर दी, ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है। लेकिन बाकी के सारे स्टैचूज निक को शांत करते हैं और समझाते हैं कि तुम सब कुछ कर सकते हो टाइम रहते हुए। आगे बढ़ने के बाद इन्हें कामुंड्रा के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन पिरामिड पे पहुंचने से पहले इन्हें एक नदी से गुजरना पड़ेगा, जहां नदी में जाने के बाद कभी तो थियो रोजवेल्ट अपनी बड़ी बड़ी बातें करके सबको परेशान कर रहा था और दूसरी तरफ ला जो कि बोर्ड को अपोजिट डायरेक्शन में चला रहा था। और इसी के साथ यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रोकोडाइल आ जाता है। बेचारा ला जो कि एक आदिवासी था वो पानी के अंदर गिर जाता है। निक जो कि खुद को इतना डिमोटिवेटेड समझ रहा था, वो पानी में जंप करके ला की जान बचाता है। और अब निक को भी समझ में आ गया था कि वो सब कुछ कर सकता है और इन स्टैचूज की जान बचा सकता है। दूसरी तरफ कामुंड्रा अपने पिरामिड के अंदर पहुंच गया था और वहाँ पे भी उसे अपने फादर का स्टैचू दिखाई देता है। असल के अंदर कामुंड्रा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कामुंड्रा के फादर ने उसे किंग नहीं बनाया, जबकि उसे ही सबसे बड़ा फैरौन बनना था। सेथ को पता चलता है कि कामुंड्रा ये सब कुछ अपने मेल ईगो के अंदर आके कर रहा है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब जब सेथ को इसीलिए जिंदा किया गया है तो उसे तो अपना काम करना ही था। दूसरी तरफ निक और उसके साथ जितने भी लोग थे वो भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगते हैं और उनके सामने भी अब पिरामिड आ गया था, लेकिन अंदर जाने के बाद सब अलग अलग हो जाते हैं। ऑक्टेवियस और जेड जो कि अब तक निक के साथ में थे वो भटक जाते हैं, साथ ही में ला भी कहीं और चला जाता है। निक को अपने आंखों के सामने दिखाई देता है कि ये सब कुछ म्यूजिकल कॉर्ड से बने हैं, अगर इन म्यूजिकल कॉर्ड्स को सही तरीके से लगाया जाएगा तो दरवाजा अपने आप खुल जाएगा, लेकिन साथ ही में अंदर जाने के लिए यहाँ पे कई सारे ट्रैप भी लगे हैं जो कि इन्हें मार सकते हैं। ला बेचारा किसी गलत जगह पे चला जाता है जहाँ पे एक मम्मी उसके ऊपर गिर जाती है, लेकिन वो मम्मी और कोई नहीं बल्कि डेक्स्टर था, जो कि पट्टियां लपेट के ला को डरा रहा था।
वहीं दूसरी तरफ कामुंड्रा अपनी पावर्स के साथ में आता है और वहाँ के गार्ड्स को जिंदा कर देता है ताकि वो निक और उसके स्टेचूज को दूर रख सके। दूसरी तरफ ये दोनों छोटे छोटे बोने भी एक ऐसी जगह पे फंस जाते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ी इजिप्शियन कैट उन्हें पकड़ लेती है। अब ये जो दो बड़े बड़े गार्ड्स थे, इन दोनों से बचने का सिर्फ एक ही उपाय था कि इनकी आंखें निकाल दी जाए। दूसरी तरफ ये जो दोनों छोटे बोने थे, एक तरफ तो इनके सामने कैट थी, वहीं दूसरी तरफ इनके सामने बहुत बड़ा सांप आ गया था, लेकिन फिर भी ये दोनों उनसे बच जाते हैं। जहाँ सभी गार्ड से फाइट करने में बिजी थे, वहीं पे कामुंड्रा सीत को कह के मौत के दरवाजे को खुलवाने की कोशिश करता है। जब जब वो म्यूजिकल कॉर्ड्स को एंटर करता है, तब तक उसे रोकने के लिए कोई न कोई चीज आगे आ जाती है। सबसे पहले तो उसके ऊपर ला और डेक्स्टर आके गिरते हैं, और जब कामुंड्रा आखिरी कॉर्ड को प्रेस करने ही वाला था कि तभी उसके ऊपर दोनों बोने अपनी बिल्ली के साथ जंप करते हैं, लेकिन आखिर में कामुंड्रा मौत के दरवाजे को खोल देता है जिसके अंदर से सारे मुर्दे बाहर आ जाते हैं। अब तो निक को और बाकी सारे स्टैचूज को लगता है कि ये अब जिंदा बच ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये फाइट करना रुकते नहीं है। निक के पास में जो नाइट गार्ड की टॉर्च पड़ी थी, उस टॉर्च को वेपन बना के सारे मुर्दों से फाइट करते हैं। और तब निक को समझ में आता है कि अगर म्यूजिकल कॉर्ड्स को सही तरीके से प्ले करने पे दरवाजा खुल सकता है, तो अगर इसे रिवर्स प्ले किया गया तो ये दरवाजा वापस बंद भी हो सकता है। एक वक्त तो ऐसा आता है जब निक कॉर्ड को प्ले करने के लिए भागता है तो वो खाई में गिर जाता है, लेकिन उसका ब्रेसलेट काम आता है और वो जिंदा बच जाता है। ऊपर आने के बाद अब वो कामुंड्रा से फाइट भी करता है, जिसके बाद में वो सही कॉर्ड्स को प्ले करने लगता है, लेकिन कामुंड्रा ने उस दरवाजे को ही तोड़ दिया था। तो निक को लगता है कि म्यूजिक प्ले होना जरूरी है, इसी के कारण वो खुद के डीजे सिस्टम को निकालता है और वहाँ से सारे रिवर्स म्यूजिक को प्ले करता है, जिसके बाद मौत का दरवाजा बंद हो जाता है। लेकिन कामुंड्रा ने निक का हाथ पकड़ लिया था। उसी समय थियो और बाकी सारे स्टैचूज भागते हुए आते हैं, जो कि सेथ को और कामुंड्रा दोनों को अंदर फेंक देते हैं और निक को बाहर की तरफ बचा लेते हैं, जिसके बाद अब बहुत कम टाइम बचा था सनराइज होने में, इसी के कारण इन सारे स्टैचूज को म्यूजियम में वापस पहुंचना था। लेकिन इजिप्ट से म्यूजियम तक जाने का सफर बहुत ज्यादा लंबा था और अगर ये लेट हुए तो ये सब मिट्टी में बदल जाएंगे। तभी इन्हें याद आता है कि निक के पास में एक ऐसा पोर्टल है जो कि टेलीपोर्ट कर सकता है। सभी निक को बहुत ज्यादा थैंक यू करते हैं और उस पोस्टर के अंदर एंटर करने के बाद ये सभी म्यूजियम के अंदर पहुंच जाते हैं। आखिरकार उसने लैरी के जैसे एक बार फिर से इन सबकी जान बचा ली। अगर कामुंड्रा अपने इरादे में सक्सेसफुल हो जाता तो वो पूरी दुनिया पे रूल कर सकता था। आखिर में सुबह होने से पहले निक के पास लैरी का कॉल आता है और वो पूछता है कि रात कैसी रही, तो निक बताता है कि ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ, बस मैंने सब कुछ संभाल लिया। वो जो बिल्ली इन्हें इजिप्ट से मिली थी, वो बिल्ली भी इनके साथ म्यूजियम में आ गई थी और डॉक्टर मैकफी को बहुत प्यारी लगती है। निक जितना पहले डीमोटिवेटेड था, अब वो म्यूजियम में काम करने के बाद उतना ही ज्यादा मोटिवेट हो गया था। साथ ही में अब वो अपने डीजे के पैशन को भी फॉलो करने लगा था। इसी के साथ म्यूजियम के अंदर जैसे हर रात सारे मुर्दों के अंदर जान आ जाती है, वैसे ही इस रात भी यहाँ पे पार्टी चल रही थी। और इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।